हेलो, वेलकम टू एवरीवन दिस चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे एचपी जो अकाउंट्स प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि एचपी जो अकाउंट्स पोस्ट कोड 886 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि परीक्षा पोस्ट कोड 886 अभी पोस्टपोन की गई है कोरोना वायरस से चलते, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड लगभग 20 क्वेश्चन जो कि रिपीटर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं हर परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर सीएजी एक्ट 1971 द टेन्यूर ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज, तो फर्स्ट का ऑप्शन ए 4 ईयर्स, बी 5 ईयर्स, सी 6 ईयर, डी 7 ईयर्स। तो फर्स्ट का सही आंसर होगा सी 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, सी वेरीफाई स्टेटमेंट्स, डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, ए वैकेंसी कॉल्ड बाई रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाई ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी मैनेजिंग डायरेक्टर, सी जनरल मीटिंग, डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी जनरल मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, ऑडिट ऑफ बैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्टेटरी ऑडिट, बी बैलेंस शीट ऑडिट, सी कॉन्करेंट ऑडिट, डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी 25.2%। क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चोवारी मंडल स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए चंबा। क्वेश्चन नंबर 7, किस मेले के लिए हिमाचल प्रदेश का सुजानपुर प्रसिद्ध है, ए गसोटा मेला, बी होली मेला, सी बाबा बालकनाथ मेला, डी सूही मेला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी होली मेला। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हैं गसोटा मेला किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, तो ये गसोटा मेला में मनाया जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जो सी बाबा बालकनाथ मेला है ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जिले में पड़ता है, और जो डी सूही मेला है ये चंबा जिले में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बावा घाटी स्थित है, ए सिरमौर, बी सोलन, सी शिमला, डी किन्नौर। तो इसका आंसर होगा 8 का डी किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भृगु सरोवर स्थित है, ए मंडी, बी कुल्लू, सी लाहौल स्पीति, डी ऊना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हत्तु शिखर स्थित है, ए शिमला, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी मंडी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए शिमला। और फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो एक एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, बैद सूर्य सिंह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, ए सिरमौर, बी शिमला, सी कुल्लू, डी किन्नौर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए सिरमौर। और सिरमौर से संबंधित एक लेडी हैं किंकरी देवी, वो भी सिरमौर से संबंधित हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय शिमला के पहले कुलपति कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा डॉक्टर आर के सिंह।
तो क्वेश्चन नंबर 13, 1997 में भारत में कौन से गांव को पहला हेरिटेज दर्जा दिया गया था? ए प्रागपुर, बी देरा गोपीपुर, सी सुजानपुर, डी नूरपुर। तो आंसर होगा ए प्रागपुर। क्वेश्चन नंबर 14, 8वीं शताब्दी में किसने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का फैलाव किया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी पद्म सम्भव ने। क्वेश्चन नंबर 15, कौन से सिख गुरु पौंटा साहिब गुरुद्वारा से जुड़े हुए हैं? ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु हरगोविंद सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर होगा डी गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, राजा संसार चंद टू किस भूतपूर्व रियासत के रियासत थे? तो ए सफेद, बी दामी, सी कांगड़ा, डी बागद। तो 16 का आंसर होगा सी कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 17, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर होगा 17 का मनाली। क्वेश्चन नंबर 18, हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में स्थित शानन इलेक्ट्रिसिटी परियोजना जो है किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा 18 का पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 19 का आंसर होगा डी डॉक्टर वाई एस परमार। तो गाइस 20 और 20 और 22 क्वेश्चन है रीजनिंग के, इसको आप छोड़ देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 25। क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य द्वार क्या था? ए कृषि, बी व्यापार, सी पहिया, डी कारपेंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए कृषि। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन बौद्ध सत्य हैं? त्रिपिटक, ए बी उपनिषद, सी अंग, डी अर्नेक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का होगा ए त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 27, हिमाचल पाल वंश का स्थापक था? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी भास्करन, डी दंती दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ए गोपाल। क्वेश्चन नंबर 28, भवानी राज्यों की राजधानी थी? ए आगरा, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे शक्तिशाली पेशावा था? माधवराव का, बी बालाजी बाजीराव का, सी बाजीराव वन का, डी बालाजी शिवनाथ का। तो 29 का आंसर होगा बाजीराव वन का। क्वेश्चन नंबर 30, बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों द्वारा 1908 में कहाँ कैद किया गया था? ए अंडमान निकोबर, बी रंगून, सी सिंगापुर, डी मंडले। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा डी मंडले। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसकी विशेषता दोहरी नागरिकता है? तो 31 का आंसर होगा बी संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 32, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर होगा सी आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 33, जो भारत के कंपटोलर और ऑडिटर जनरल किसके लिए चीफ अकाउंटेंट और ऑडिटर के रूप में कार्य करते हैं? ए राज्य सरकार, बी संघ सरकार, सी दोनों। तो इसका आंसर होगा सी दोनों, संघ और राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी शुक्र। तो इसका आंसर होगा ए बुध। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सी, भूमध्य समुद्र। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो आंसर होगा 36 का राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37, जो और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश होगा। 37, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी महानदी। तो आंसर होगा ए कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहली रिफाइनरी स्थापित की गई, ये की गई थी दिग्बोई में। 39, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राइस टेकर कौन है? तो इसका आंसर होगा 39 का फर्म। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में किसका उपयोग मुद्रास्फीति की अस्थायी रूप में जांच करने में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा सी, मुद्रा पूर्ति में घटाव। क्वेश्चन नंबर 41, अफीम के पौधे के किस भाग से में से मोरफिन मिलता है? ए पत्ता, बी तना, सी शाल, डी फल पड। तो डी आंसर होगा 41 का फ्रूट कोट। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा सही सांप नहीं है? ए ग्लास स्नेक, बी सी स्नेक, सी ट्री स्नेक, डी ब्लाइंड स्नेक। तो इसका आंसर होगा ए ग्लास स्नेक। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा कार्य बदक से जाना जाता है? तो 43 का आंसर होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 45, टमाटर में कौन सा एसिड होता है? तो आंसर होगा ओकजेलिक एसिड ए। क्वेश्चन नंबर 46 नहीं माफ करना क्वेश्चन नंबर 44, जो एक उपकरण होता है जब हम बोलते हैं तो जो कि हमारी जो आवाज होती है उसको बदलता है विद्युत ऊर्जा में, तो वो कौन होता है? तो वो होता है माइक्रोफोन सी। क्वेश्चन नंबर 46, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हम इसे अभी छोड़ देंगे, 47 को भी छोड़ देंगे। अब हम चलेंगे 52 क्वेश्चन। अभ्यगत में जो संधि बताना है आपने, तो संधि क्या होगा इसका? ए होगा अभी प्लस गत। तो इसका आंसर है ए अभी प्लस गत। क्वेश्चन नंबर 53, निशाचर में समास है, तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष ए, पलक का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी अक्ष। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।